This is me पारुल गुप्ता एंड आई एम ए योगा टीचर. यू आर वॉचिंग मी लाइव ऑन अमूल पेज. आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए. मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अमूल की पूरी टीम को. बहुत ही सपोर्टिव टीम है अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया. सभी जानते हैं कि अमूल के प्रोडक्ट्स लाजवाब हैं. हम अक्सर ही अमूल के प्रोडक्ट्स को लेकर अपनी डिशेज को बनाते रहते हैं और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यम्मी सी डिश लेकर आई हूँ जो वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही फेवरेट होती है, पनीर से बनी रेसिपीज. तो कुछ मीठा भी बनाएंगे क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है. तो आप लोग सभी ज्वाइन कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं. अभी कौन कौन आ गया है, आइए हम अपनी डिश की ओर चलते हैं. तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि अमूल का जो पनीर है मैं उसको ग्रेट करने के बाद एक मीठा बनाऊंगी अमूल के पनीर को ग्रेट करने के साथ ही. और उसी में मैं थोड़ी सी खांड और थोड़ा सा चीज़ भी इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं अपनी सेकंड डिश में. तो आइए हम अपनी डिश की ओर चलते हैं जो एक मीठा है जिसको बोलते हैं छेना फेरा, जो हमारा काजू के ग्राइंड करने के बाद बनेगा. और काजू को मैंने ग्राइंड करा, 100 ग्राम के करीब मेरे काजू थे, 100 ग्राम. उन काजू का मैंने एक पेस्ट बना लिया है, स्मूथ पेस्ट बना लिया है. उसी के साथ मैंने थोड़ा मिश्री को भी ऐड कर दिया था ग्राइंड करते समय, तो हमें इस तरह का पेस्ट मिल गया है. आइए इसमें हम मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल करेंगे. तो अभी हम सबसे पहले पनीर को ग्रेट कर लेते हैं. आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. ये बहुत ही इजी डिश है, ये एक पेड़ा है बेसिकली. और आप चाहे तो अमूल के दूध को भी कर्डल करके बना सकते हैं, लेकिन आज मैं अमूल का पनीर इस्तेमाल कर रही हूँ इस पेड़े के लिए. और इसमें काजू का जो हमने ग्राइंड करके पाउडर बनाया है, स्मूथ पाउडर, उसको भी इस्तेमाल करेंगे. फ्लेम को ऑन कर देते हैं. मेरे पास ब्राउन शुगर है, मैं ब्राउन शुगर ऐड कर दूंगी. ये 1 टीस्पून के करीब है, बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. देखो वाले की कुछ क्या बन रहा है, ये हम काजू से बना हुआ एक पेड़ा बना रहे हैं जिसमें हम थोड़ा सा छेना भी इस्तेमाल करेंगे या पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं. अमूल का पनीर मैंने इस्तेमाल किया है, इसको ग्रेट कर लिया है. ये ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर 1 टीस्पून के करीब है, बहुत ज्यादा नहीं ली है. और 2 टेबल स्पून हमने वाटर ऐड किया है. अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने काजू. ये 100 ग्राम काजू थे और इन काजू को मैंने मिश्री के साथ ग्राइंड किया था जिससे थोड़ा इसमें मीठा टेस्ट भी आ जाएगा. और इसको बराबर स्टर करते रहेंगे इस तरह से, देखिए. इसमें कोई लम्स ना आए तो इसीलिए कंटिन्यूसली स्टर करते रहें. फ्लेम को स्लो रखेंगे. साथ में जो हमने अमूल पनीर ग्रेट किया है उसको भी ऐड कर देंगे. ये 50 ग्राम है मेरा अमूल पनीर. अमूल के घी का भी इस्तेमाल किया है तो मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमूल घी इस्तेमाल कर रही हूँ. अमूल का घी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया है, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है. थोड़ा सा इसको हम थिक कर लेंगे बैटर को कुक करने के साथ साथ. अभी हम ऐड करेंगे छोटी इलायची पाउडर, ग्रीन कार्डमम. तो आज क्या बना रहे हैं शेफ आप? आज हम बना रहे हैं जो अमूल का पनीर आता है, अमूल के पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया था. और अमूल के पनीर को ग्रेट करने के साथ ही मैंने ऐड किए हैं काजू पाउडर 100 ग्राम मिश्री के साथ. और ये काजू पाउडर है हमारा कैशू पाउडर और
अमूल का पनीर ग्रेट किया हुआ है। इसका एक पेड़ा बनाएंगे। मैं अमूल का मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मेरा 1 टेबल स्पून है। अमूल के प्रोडक्ट्स तो सच में बहुत ही बढ़िया है, गजब के हैं। और पेड़ा तो बहुत ही सॉफ्ट, और इसका जो टेक्सचर आएगा, इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत ही गजब का होगा, माउथ मेल्टिंग होगा। और बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली ये मिठाई है, क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है, तो गणेश जी को आप लड्डू या पेड़ा आप अर्पण करते हैं, तो आप ये क्विक रेसिपी बना सकते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, देखिए ये इस तरह से साइड छोड़ने लगेगा, फ्लेम को हमेशा स्लो करके ही कुक करें। और मैं थोड़ा सा केसर ऐड कर देती हूँ, इसका जो मिल्क है केसर वाला, इसमें इसका एक बहुत सुंदर कलर आ जाएगा। देखिए ये बिल्कुल आपस में इकट्ठा हो गया है, हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। और ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी और ठीक हो जाएगा। इससे कब तक इसको कुक करना है? ये मैंने लगभग 3 से 4 मिनट ही कुक किया है, आप अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट तक कर सकते हैं कुक इसको। ये बहुत इंस्टेंट बनने वाली डिश है, क्योंकि छेना है, पनीर जो कुक करा हुआ है, काजू भी आपको पता है, बहुत ज्यादा रोस्ट आपको नहीं करने हैं, सिर्फ 3 से 4 मिनट। ये देखिए जब ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, पैन को छोड़ने लगेगा, इसका मतलब ये रेडी है पेड़ा बनने के लिए। क्योंकि आपने पेड़ा खाया होगा मावे का, खोए का, लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ इसमें खोए की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ी सी मिश्री के साथ कैशूज को ग्राइंड करेंगे तो जल्दी से ग्राइंड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थे तो वो मिश्री के साथ ईजिली ग्राइंड हो गए। ये देखिए बिल्कुल साइड छोड़ दिया है, अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने रख देंगे। इसको मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। अगली डिश की ओर चलते हैं। इस डिश का नाम है दही वाले पनीर। ये जो मैं आज पनीर बना रही हूँ, अमूल का पनीर मैंने इस्तेमाल किया है और इसको मैंने डाइस में कर लिया है, आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। और इसके लिए मुझे ज़रूरत है 1 टेबल स्पून ऑयल की, मैंने 1 टेबल स्पून से भी कम ही लिया है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा अमूल का देसी घी भी ऐड करूँगी, तो टोटल मिलाकर हमारा 1 टेबल स्पून हो जाएगा। और इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून के करीब टर्मरिक पाउडर, ब्लैक पेपर चुटकी भर, सॉल्ट ले लिया 1 टीस्पून, और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, इसको क्रश करके डाल दें। ये एक मैं मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। इस मैरिनेशन को तैयार करने से क्या होगा कि हमारा जो पनीर है वो अच्छे से इसमें रैप हो जाएगा और उसको हम कुक करेंगे। बहुत ही सिंपल डिश है पर बहुत ही टेस्टी लगती है। जब आप इसकी ग्रेवी को तैयार करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा आप लोगों को।
क्योंकि ग्रेवी वाला पनीर तो आप अक्सर बनाते रहते हैं, कभी मटर पनीर, कभी शाही पनीर, बहुत सारे लोगों को कढ़ाई पनीर पसंद होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसे हम डिफरेंट ग्रेवी बना सकते हैं, तो आज हम कुछ थोड़ी सी डिफरेंट ग्रेवी बना रहे हैं। दही वाली ग्रेवी जो कि आप फास्ट में भी खा सकते हैं, ये व्रत में भी हम खा सकते हैं, केवल हम इसमें लाल मिर्च ऐड ना करें, ब्लैक पेपर इस्तेमाल कर लें, और पिंक सॉल्ट तो मैं हमेशा ही इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसमें। मैं फ्लेम को ऑन कर देती हूँ। मैं अमूल का बटर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो बटर का टेस्ट है वो इस पनीर में बहुत ही एनहेंस कर देगा इसके टेस्ट को। बटर के साथ हम इसमें थोड़ा सा ऑयल जरूर डालें क्योंकि बटर बर्न हो सकता है, तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप बटर डाल रहे हैं थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल जरूर करें। बटर के मेल्ट होने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे डाइस्ड पनीर जो हमने मैरिनेट किए हैं स्पाइसेस के साथ। ये बहुत सॉफ्ट हैं तो इसलिए इनको बहुत ही आराम से, हम इसको डेलिकेट हैं तो बिल्कुल सावधानी के साथ ही इसको फ्राई करें। और बेसिकली इसको फ्राई नहीं करना मुझे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए कुक करना है, 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि पनीर के अंदर जितनी भी स्पाइसेस हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएंगे। फ्लेम को मैंने अभी हाई किया हुआ, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसको कुक करें। हेलो स्वाति कैसे हो, हेलो रिंकू, एक तरफ से कुक होने दें, बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है, बटर है इसमें और थोड़ा सा ऑयल हमने ऐड किया है। इसको एक तरफ पलट लेंगे, ये देखिए क्योंकि कलर तो इसमें ऑलरेडी आ चुका है स्पाइसेस का। आप जब भी इसमें स्पाइसेस ऐड करें ध्यान रखें कि आप तीखी वाली मिर्च ना लें क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तो इसीलिए कलर के लिए हम इसमें कश्मीरी रेड चिली हम इस्तेमाल करते हैं। और मैं सबको एक तरफ पलट देती हूँ। बहुत अच्छे से कुक हो रहे हैं। आप लोग ये बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली डिश को जरूर ट्राई करें। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अमूल का जिन्होंने मुझे आज ये लाइव का मौका दिया। मैं अक्सर अमूल पर लाइव करती रहती हूँ और बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो अमूल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ होम शेफ्स को, शेफ्स को मौका मिलता है अपनी कलिनरी स्किल्स को दिखाने का। सो गाइज आप लोग भी इस तरह की अमेजिंग सी डिशेस बनाते रहिए, इंजॉय करते रहिए। ये वेजिटेरियंस के लिए तो वैसे भी ट्रीट है क्योंकि उन लोगों का फेवरेट होता है पनीर। तो अभी तो ये कुक हो चुका है बहुत अच्छे से, मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ अपने बोल में। माउथ वाटरिंग डिश लग रही है आशा शर्मा जी। हाँ, जब इसकी ग्रेवी तैयार होगी तब आप देखिएगा ये बहुत ही अमेजिंग बनती है। सो आई एम ट्रांसफरिंग दिस वापस उसी में ट्रांसफर कर रही हूँ क्योंकि हमें इसी ऑयल की जरूरत पड़ेगी और इसी बटर की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारा अमूल बटर है। हम इसी बटर में ही अपनी ग्रेवी को कुक करेंगे।
अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए बस थोड़ी सी ट्रिक है, क्योंकि आप जब भी किसी दही से बनाते हैं ग्रेवी तो उसका फटने के चांसेस रहते हैं, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। और मैं इसी बटर में ऐड कर रही हूँ अमूल का देसी घी, सिर्फ कुछ ड्रॉप, ज़्यादा नहीं। हम इसमें ऐड कर देंगे तेज पत्ता और होल रेड चिली। What did you put in the marination? Marination में मैंने red chili powder and black pepper and salt और साथ में कसूरी मेथी ली है। अब हम add कर देंगे ginger, ये chop किया हुआ है मैंने, एकदम finally chop किया है इसको। ये देखिए ginger को बहुत अच्छे से cook कर लेंगे, क्योंकि ये without onion and garlic dish है, इसमें सिर्फ ginger का ही taste बहुत अच्छा आता है। ginger को अच्छे से cook कर लें, इसकी fragrance बहुत अच्छी लगेगी। और साथ में मैं ऐड कर दूंगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है बड़ी इलायची। तो जो बड़ी इलायची के दाने हैं वो काफ़ी स्मोकी फ्लेवर देंगे। मैं इन दानों को भी, जो सीड्स हैं ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है बड़ी इलायची के दानों को, इससे इसकी ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और आपकी जो ग्रेवी है वो काफ़ी रिच लुक देगी कर्ड से ही। तो मैंने अमूल की दही इस्तेमाल की है, अमूल की दही बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से चर्न भी कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ बैटर रेडी कर लिया है कर्ड का। जब तक हमारा जिंजर कुक हो रहा है हम इस कर्ड के अंदर ही ऐड कर देंगे स्पाइसेस। ये देखिए 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, ये भी कश्मीरी मिर्च है। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 2 teaspoon और हम 1/2 teaspoon ही कर्ड सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे, साथ में ब्लैक पेपर और ये पुदीना पाउडर है, मैं थोड़ा सा पुदीने का पाउडर भी इस्तेमाल करूंगी, चुटकी भर हल्दी। अभी हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा वाटर जिससे कि जिंजर की कुकिंग रुक जाएगी। अब हम ऐड कर देंगे ये कर्ड, इसी कर्ड में मैं करीब 2 tablespoon के करीब ही पानी ऐड करके रख देती हूँ। अभी हम बाद में ऐड करेंगे वाटर को और लगातार चलाते रहेंगे। आपकी दही फटनी नहीं चाहिए इसके लिए इसको लगातार चलाते रहें। जब भी दही की ग्रेवी बनाते हैं, कर्ड की ग्रेवी बनाते हैं, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि इसको गाढ़ा करने के लिए आप या तो काजू का पेस्ट ऐड कर दें, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 tablespoon कैशूज एंड मगज का पेस्ट, इससे कभी भी आपकी दही वाली ग्रेवी नहीं फटेगी। ये इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप है, इससे आपकी दही की ग्रेवी कभी अलग नहीं होगी। ये कैशूज का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया है, आप चाहें तो इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, पर आज मैं बेसन ऐड नहीं कर रही हूँ। 1 teaspoon के करीब आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे, बहुत ही सुंदर कलर आ जाएगा इसमें। ये देखिए बस इसका ध्यान रखना है कि इसको लगातार चलाते रहें। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए और फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है। स्पाइसेस को हमें अच्छे से कुक करना है, क्योंकि हमने दही में ही ऐड करे थे, अपने कर्ड के साथ ही हमने स्पाइसेस को ऐड किया था। और इस ग्रेवी को अच्छे से कुक करने के लिए हम एक बॉयल ले आएंगे। देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है, अभी हम ऐड करेंगे वाटर। ये थोड़ी देर बाद और थिक हो जाएगी कुक होने के बाद, इस ग्रेवी को हम कुक होने देंगे क्योंकि हमारा पनीर रेडी है मैरिनेटेड। इसमें भी स्पाइसेस हमने बहुत अच्छे से ऐड किए थे, तो उसका फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। जब भी कर्ड की कोई भी ग्रेवी बनाएं तो हमेशा ध्यान रखें उसमें चुटकी भर बेसन डाल दें तो दही नहीं फटेगी, या फिर आप काजू का पेस्ट डाल दें।
क्योंकि हमारा भी मन करता है कभी कभी कुछ डिफरेंट ग्रेवी बनाने का, तो आप इस तरह की ग्रेवी जरूर ट्राई करें। अब मैं एक बच्चों का फेवरेट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने जा रही हूँ, ये है अमूल का डाइस चीज़। आजकल अमूल का जो चीज़ मिल रहा है मोज़रेला चीज़, ये डाइस के हुआ है, तो ये बहुत ही बढ़िया है, यूज़फुल है। सो आई एम गोइंग टू ऐड दिस इन माई ग्रेवी फॉर रिच लुक। आई एम गोइंग टू ऐड चीज़, बच्चों का फेवरेट होता है चीज़। बच्चों का क्या, मुझे तो लगता है बड़ों का भी है, मेरा तो बहुत फेवरेट है चीज़। ये देखिए, और हम इसमें चाहें तो होली स्पाइसेस अलग भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो तेज पत्ता बाहर निकाल कर रख दें और दालचीनी, क्योंकि ग्रेवी के साथ कोई उसको लेना पसंद नहीं करता, तो सिर्फ कुक होने के लिए उसकी फ्रेग्रेंस जरूरी है, उसका अरोमा बहुत जरूरी है, तो इसीलिए हम होली स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप सर्व कर रहे हैं तो सर्व करने से पहले आप इनको बाहर कर दें। मैं तेज पत्ता बाहर कर देती हूँ। अभी हम इसको थोड़ा सा थिक और होने देंगे और 2 मिनट के करीब और पका लेंगे। ये हमारी चीज है जो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका चीजी टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। आप दही लेकिन फ्रेश लें अमूल की, खट्टी दही का इस्तेमाल ना करें। अगर खट्टी दही है तो थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हैं, पर मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने कैशू पेस्ट और चीज़ डाला है, तो ये थोड़ा सा स्वीटनेस पे रहेगा, थोड़ा स्पाइसी और थोड़ा स्वीट। और फ्रेश हमें जो स्पाइसीनेस चाहिए उसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 ग्रीन चिली। बहुत अच्छे से इसमें उबाला गया है, ये कुक हो चुकी है। आइए अब हम चलते हैं अपनी स्वीडिश की ओर, देख लेते हैं हमारे पेड़े रेडी हो रहे हैं, तो इनको भी अब हम शेप ले लेते हैं। थोड़ा सा हम हाथ को ग्रीस कर लेंगे अमूल का घी। ये देखिए इसका टेक्सचर, इसका कलर, प्योरिटी है अमूल के घी में। मैं हमेशा अमूल का घी इस्तेमाल करती हूँ, और इस तरह से पेड़े के बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनने वाला ये पेड़ा है। और पेड़े को हम बीच में से प्रेस कर देंगे इस तरह से, बेसन रोस्ट करके लेना है क्या? हाँ, बेसन रोस्ट करके लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कच्चा बेसन आपको टेस्ट अच्छा नहीं देगा, तो आप थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लें उसको। और इसमें तो मैंने सिर्फ पनीर लिया है ग्रेट करके अमूल का, साथ में मैंने कैशूज पाउडर ग्राइंड कर लिया था, कैशूज को ग्राइंड कर लिया था पाउडर फॉर्म में मिश्री के साथ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मीठा चाहिए था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए था। इनकी प्रॉपर शेप आ गई है, और अभी थोड़ा गर्म है तो ठंडा होने के बाद ये और अच्छी शेप ले लेगा, और ये बहुत अच्छे से बन रहे हैं पेड़े हमारे। गणेश जी का भोग आप बहुत अच्छे से लगाइए, बनाइए पेड़े, कुछ डिफरेंट हैं, और मुझे लगता है कि ये आप सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। कितने कम इंग्रेडिएंट में और इतने टेस्टी बनेंगे ये, इतने माउथ मेल्टिंग है कि आप लोगों का मन करेगा तुरंत इनको खाने का। मैं एक छोटा सा अपने लिए भी बना लेती हूँ, और जब हम गणेश जी को प्रसाद चढ़ा देंगे उसके बाद हम इसको टेस्ट भी करेंगे। तो अभी हम इसमें होल जो हमने किया है, थोड़ा थोड़ा सेफ्रॉन का मिल्क भी ऐड कर देंगे। इसका बहुत सुंदर टेक्सचर और कलर आ जाएगा, सेफ्रन की जो फ्रेग्रेंस होती है, सेफ्रन का जो फ्लेवर होता है वो गजब का होता है, बहुत ही हेल्दी होता है।
सेफ्रॉन मिल्क हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, विंटर में बहुत गर्म होता है ये और फ़ायदा भी करता है। तो मैंने सेफ्रॉन की जो स्ट्रेंड्स थी, मैंने जो सोक किए हुए थे उनको मैंने अप्लाई कर दिया है। दोनों रेसिपीज एक्सीलेंट, लाइक यू मैम, थैंक यू सो मच। पेड़ा इंग्रेडिएंट्स, पेड़ा इंग्रेडिएंट बहुत इजी है। आपको सबसे पहले अमूल का पनीर ग्रेट करना है। मैंने हाफ कप लिया है, ये जो अमूल का पनीर आता है इसको ग्रेट कर लिया था, और मैंने 100 ग्राम कैशूज को मिश्री के साथ ग्राइंड कर लिया था मिक्सर में। चुटकी भर इलायची पाउडर ऐड किया है, और हमने 1 टेबल स्पून हमने लिया था अपना गुड़, या आप शक्कर ले सकते हैं, ब्राउन शुगर। उसको पानी के साथ डिजॉल्व करने के बाद ही हमने इसको एकदम डो के रूप में बना लिया था। मैं इसकी प्लेटिंग भी कर देती हूँ। कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला और बहुत ही जल्दी बनने वाला है ये। अभी थोड़ा सॉफ्ट है और गर्म बहुत है, तो इसीलिए बड़ा डेलिकेट है ये, इसको बहुत संभाल के मुझे उठाना पड़ रहा है। आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। और हम गार्निश करेंगे इसको पिस्ताचू से। मुझे इसके साथ पिस्ता का फ्लेवर बहुत पसंद है, बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट है पिस्ता। आप चाहें तो आलमंड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में पिस्ता लगा रही हूँ। क्रैनबेरीज है मेरे पास, तो आइए अब हम चलते हैं अपने पनीर की ओर। पनीर की ग्रेवी आप देखिए हमारी एकदम रेडी हो चुकी है। हेलो अमेजिंग, हेलो दी, कैसे हो? ये देखिए दही की जो ग्रेवी है, इसका टेक्सचर देखिए कितना स्मूथ है। और इस ग्रेवी को हमने बनाया है साथ में कैशूज, हमने जो सोक करके रखे थे उसके साथ थोड़ा चीज़ी बनाया है, तो चीज़ भी हमने मेल्ट करके डाल दिया है। ग्रेवी का कलर देखिए कितना सुंदर आया है। थोड़ी स्पाइसी और थोड़ी स्वीट टेस्ट देगी ये, पर फ्रेश आप कर्ड इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें खट्टी दही मत लीजिएगा। ये हमने जो पनीर मैरिनेट करके कुक किए थे इनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी के साथ। देखिए पनीर का भी कितना अच्छा टेक्सचर आया है, कितना सुंदर कलर आया है पनीर का, आप देख सकते हैं। फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ अमूल की फ्रेश क्रीम बहुत ही टेस्ट को भी बढ़ा देती है हमारी। जितनी भी आप क्रीमीनेस लाना चाहते हैं, जो उसका स्मूथ टेक्सचर लाना चाहते थे, तो उसके लिए अमूल की क्रीम बेस्ट है।
फाइनली मैं टच दे रही हूँ पुदीने का, क्योंकि मिंट का जो फ्लेवर है वो बहुत ही यमी लगता है, एकदम फ्रेग्रेंसफुल है, फ्रेश फील देता है। मजा आ गया देखकर ही। अमूल प्रोडक्ट्स आर बेस्ट। यस, अमूल प्रोडक्ट्स तो लाजवाब हैं, आप सब भी इस्तेमाल कीजिए। इसका घी, इसका पनीर, इसका बटर बहुत ही बढ़िया है। सो आप सब भी इस डिश को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये पनीर की बिल्कुल डिफरेंट ग्रेवी वाली पनीर की आज मैंने जो डिश बनाई है, आप सबको मुझे पता है पसंद आएगी ज़रूर। तो मैंने गार्निशिंग में आज कोरिएंडर की जगह मिंट का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि मिंट भी एक फ्रेश फील देता है। तो आपको कहीं स्पाइसी और कहीं फ्रेश फील, सब सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे इस सब्ज़ी में जो पनीर की ये डिश मैंने प्रिपेयर की है। सो होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, आप सब ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। तो कैसी लगी मेरी ये दोनों डिशेस आप जरूर बताइएगा मुझे। और कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। और मेरा ब्लॉग है, फेसबुक पर मेरा पेज है एंड इंस्टा पर मेरा ब्लॉग है चटकारा बाई पारुल के नाम से। यू कैन फॉलो दिस एंड यू कैन लाइक माई पेज ऑल्सो। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अमूल की पूरी टीम का। ये देखिए मेरा छोटा सा पेड़ा मेरे पास है और मैं सोच रही हूँ इसको मैं थोड़ा टेस्ट करके भी देख लूँ कैसा बना है। बहुत ही गजब का टेस्ट है इसका, बहुत मज़ेदार। जल्दी जल्दी बनाइए आप लोग भी और एंजॉय कीजिए। थैंक्स टू अमूल एंड लवली टीम मेंबर्स, सभी बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी लाइव। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे फूडी फ्रेंड्स हैं, सिमी दी, स्वाति, सभी आप लोग हमेशा मुझे लाइव में देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सो मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और आप लोग अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकालते हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।